का परमेश्वर की ब्लड लाइन से जुड़ना, दाऊद की ग्रैंड मदर बनना, ये अपने आप नहीं हुआ था, ये उसका डिसीजन था कि मैं अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे वापिस जाके यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। ये उसका क्या था? अपना एक डिसीजन, अपना एक फैसला जिसने परमेश्वर के बीच में उसको जोड़ के रखा और यीशु मसीह की ब्लड लाइन में उसे जोड़ दिया। आज भी जब अब्राहम से लेके या आदम से लेके यीशु मसीह तक जब पीढ़ियों का वर्णन किया जाता है, कभी 42 पीढ़ियों का, कभी जब आप उसके माता के पिता के वर्णन को देखते हैं तो उसमें रूत का जिक्र है, रूत के हस्बैंड का जिक्र है। मरियम आसमान से उतरी हुई फरिश्ती नहीं थी, बाइबल कहती है इसी धरती पे जीने वाली थी। और उसने कहा था, जब परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैंने तुझे चुनता हूं इकलौते यीशु मसीह को पैदा करने के लिए और तू गर्भवती होगी, तो बाइबल कहती है उसने कहा था परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है, दृष्टि की। आज लोगों के पास बहाने हैं, हाँ है कि नहीं? कोई गरीब है इसलिए अपनी गरीबी में ब्लू फिल्में देख रहे हैं क्योंकि उसे निराशा है, मैं अमीर क्यों नहीं हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन क्यों नहीं हूं, मैं कैनेडियन क्यों नहीं हूं, मेरा वीजा क्यों नहीं लगा। बाइबल कहते जब यीशु मसीह पैदा हुए तो इज़राइल की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने अपने पहलौठे बच्चे को छुड़ाने के लिए एक जानवर लेके जाना था, पर उनके पास अगर पैसा ना हो तो परमेश्वर ने कहा था तुम बड़ा जानवर मत लेके जाना, तुम कबूतर को ले जाना और उसके बदले अपने पहलौठों को छुड़ाना। और बाइबल कहती है मरियम और उसका हस्बैंड जो थे वो कबूतरों का जोड़ा लेके गए थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। पैसा ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वो फेथफुल थे, वफादार थे और परमेश्वर ने इतने बड़े काम के लिए उन्हें चुना। अगर आप अपनी लाइफ में इंतजार करोगे कि परमेश्वर पहले गवाही दे तो मैं पवित्रता में चलूं या मैं नशा छोड़ दूं या मैं गलत काम करना छोड़ दूं, तो आप कहीं और बैठे हो, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। उन्होंने पहले डिसीजन लिया, परमेश्वर ने नहीं कहा रूत अगर तू डिसीजन ले तो मैं तेरे आने वाले टाइम में तुझे एक अच्छा पति दूंगा, तेरे दुखों को दूर कर दूंगा, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, बाय फेथ वो चली। इसलिए पौलुस ने कहा बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोने। आपकी लाइफ में ऐसा काम हो सकता है, आपको जब सामने कुछ भी नजर ना आए तो भी आप डिसीजन लेते हो कि नहीं मैं परमेश्वर के साथ खड़ी हूं, मैं प्रभु के साथ खड़ा हूं, आगे क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है और होगा, छुड़ाए ना छुड़ाए वो मेरा परमेश्वर है और होगा, आशीषित करे ना करे, आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने किसी को भी बिना गवाही के नहीं रहने दिया, मरियम को नहीं रहने दिया, रूत को नहीं रहने दिया, किसी को भी रहने नहीं दिया। बाइबल कहती है और जो मरियम की रिश्तेदार थी अलीशिबा लिखा अपने बुढ़ापे तक बांझ रही, इसलिए नहीं कि वो पापी थे। बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर वो निर्दोष चलने वाले थे। जब उसकी बारी आई चिट्ठी डलती थी, लॉटरी डलती थी, लॉटरी 10 बंदों में, आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके रीति रिवाज पूरा करेगा, लॉटरी लगती थी। उस दिन लॉटरी जो लगी वो अलीशिबा के हस्बैंड की थी। वो कह सकता था कि मुझे क्या फायदा हुआ निर्दोष चलने का क्योंकि अभी तक मेरे पास एक बेबी नहीं है। आज का विश्वासी होता तो वहां लॉटरी के टाइम वहां होता भी ना, पता लगे चक्करा के थे और बियर पी के बैठे साइड दे के थे। आज दुखी सिगा हो क्योंकि किसी ने ताना मार देता कि तेरे होया तो है नहीं कुछ, तू प्रेयर भी करता है बाइबल भी पढ़ता तेरे होया तो है नहीं कुछ, इस करके निराश सिगा बियर पी के साइड से बैठा आज। पर बाइबल कहती वो अभी भी परमेश्वर के घर में सेवा करने के लिए मौजूद था। हालेलुया। कुछ भी अपने आप आपको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है अपनी डेस्टिनी के लिए। इस बाइबल जो मेरे हाथ में पकड़ी इसके पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हुए, जिन प्रेयर पॉइंट्स में प्रार्थना करता हूं और अगर आप उन्हें पढ़ लें आप 7 बार दंडवत करोगे प्रभु को, एक एक लाइन पूरी हो रही जो मैंने लिखी यहां, एक एक लाइन, और कम से कम 75 प्रेयर पॉइंट होंगे, 75 विषय होंगे, 75 में भी एक एक लाइन में दो दो विषय हैं। आपके लिए प्रार्थना इसमें है, आपके गाड़ियों के लिए इसमें है, आपके फाइनेंस के लिए इसमें है, एवरीथिंग
इसमें है। हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूं अपने आप कुछ नहीं होगा, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं मैं रिजल्ट लेके आऊं प्रभु के साथ। कैसा रिश्ता आपका होना चाहिए, बाइबल क्या कहती है? आपको एक बात बताऊं, बाइबल के सारे वचन हर बंदे के लिए नहीं। एक कलीसिया ने जब पौलुस के मिशनरी काम में उसकी सहायता की, पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में क्या करेगा। किसको बोला? किसको बोला? उस कलीसिया को बोला के दारू पीने वाली कलीसिया को बोला के नशा करने वाली कलीसिया को के सेवकों की निंदा चुगली करने वाली कलीसिया को? किसको बोला उसने? जब एक कलीसिया ने उसकी मदद की मिशनरी कामों के लिए, तो पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह में महिमा सहित पूरा करेगा।